रांची में स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थानों के अलावा पूजा समिति की ओर से पंडालों में स्थापित माता की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। इस दौरान पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने पहले हवन पूजा अर्चना कर मां को भोग लगाया। प्रसाद वितरण के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इसका जायजा लिया सहयोगी सत्यव्रत ने। देवी माँ सरस्वती के आराधना के बाद अब वक्त है माँ सरस्वती के प्रतिमा के विसर्जन का और रांची के विभिन्न तालाबों में माँ सरस्वती के प्रतिमा को विसर्जित की जा रही है। नम आंखों से खासकर जो छात्र हैं वो माँ की प्रतिमा विसर्जित कर रहे हैं और माँ से यह आशीर्वाद ले रहे हैं कि माँ अगले साल जल्दी आए। आप लोग छात्र हैं, माँ सरस्वती की आराधना की आप लोगों ने, क्या कुछ मांगा है आपने? माँ सरस्वती से मांगे हैं कि हम अपने जीवन में जिस तरह से वो एक विद्या की देवी है तो हम आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जो हम सोचे हैं वो चीज को पूरा कर सके, लोगों की भलाई करें और आगे सच्चाई के साथ जिए। लोगों की भला कर सके और सच्चाई के साथ जिए, यही माँ सरस्वती से कामना की। और 24 घंटे तक माँ सरस्वती के उपवास के बाद जो है अब समय है माँ के प्रतिमा का दर्शन का। क्या कुछ मांगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए माँ सरस्वती से? हमने मांगा कि हमारा देश हमारा समाज सब ज्ञान से और खुशियों से और सब परेशानी से मुक्त हो और अच्छे से रहे और समाज में सबका भला हो, सबके लिए अच्छा हो। बिल्कुल, सभी का भला हो, यही माँ सरस्वती से आराधना किया। पिछले कई घंटों से माँ आप लोगों के साथ थी, आप लोगों को आशीर्वाद दे रही थी। अब चूंकि माँ की विदाई हो रही है, विसर्जन का समय है, तकलीफ होता है? हाँ, बहुत ज्यादा होता है। बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग का स्कूल में ये सरस्वती पूजा हो रहा था, हम लोग सब बहुत खुश थे। अभी देवी माँ के विसर्जन के वक्त हमें बहुत बुरा लग रहा है। कितना इंतजार रहता है साल भर कि कब माँ आएंगी, सरस्वती पूजा होगा और माँ का आराधना किया जाएगा? बहुत इंतजार रहता है, मतलब 2-3 महीने से पहले से पता था कि मतलब सरस्वती पूजा होने वाला है तो उसका सारा डेकोरेशन का मतलब हर चीज का पहले से रेडी करके रखना होता है और एक्साइटमेंट लेवल सबका स्टूडेंट से लेकर के टीचर सबका हाई रहता है। और पिछले कई दिनों के प्रयास का ही नतीजा होता है कि माँ सरस्वती की धूमधाम से आराधना की जाती है और खासकर पढ़ाई लिखाई करने वाले जो छात्र हैं वे माँ की आराधना करते हैं, माँ से वो कामनाएं मांगते हैं और माँ से यह उम्मीद करते हैं कि माँ अगले बरस तू जल्दी आना। फिलहाल नम आंखों से जो यह विद्यार्थी है वो माँ की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं। पिछले कई घंटे तक माँ इनके साथ थी, इन पर आशीर्वाद आ रही थी और ज्ञान की देवी से सबने यह आशीर्वाद मांगा कि वो पढ़े लिखे अच्छे नंबरों से पास हो और देश समाज का नाम रोशन करे। सहयोगी रिंकू के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।